सो दोस्तों, एक और कॉमिक्स छलावा मेरा नाम जम्बू सुरेश की आपके सामने लेकर के मैं आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि कॉमिक्स आपको और अच्छी लगेगी। जम्बू सुरेश की कॉमिक्स है, आइए देखते हैं कि इसकी स्टोरी क्या है। मिस्टर इंडिया, उस ज़माने में बनी थी ये पोस्टर, और देखिए कितनी बेहतरीन पोस्टर बनी थी, ग्लासी, बिल्कुल जैसे ओरिजिनल वास्तविक। वेद प्रकाश शर्मा, भरत मकवाना, प्रमिला जैन और रुक्मिणी मकवाना। सुनो जम्बू, सुनो चाटा, छलावा है मेरा नाम। मेरे सामने जो भी पढ़ता है मैं उसकी शक्ल का बन जाता हूँ, उसकी आवाज़ के साथ साथ आवाज़ मिला सकता हूँ, उसके शरीर की हरकत जैसी हरकत उसी क्षण कर सकता हूँ। लेकिन यह भी जान लो कि हमारे इतिहास घर में किसी का छल नहीं चलने वाला। चांटा नाम है, चांटा है अपना नाम। तुम यहाँ से भाग भी नहीं सकते, कैदी हो तुम हमारे। चांटा, यह तेरी भूल है कि तू या तेरे देवता ने मुझे कैद कर लिया। मैं तो अपनी मर्जी से आया हूँ। यह मुँह और मसूर की दाल, अपनी मर्जी से आया तो मर्जी से जाकर दिखा। वह दिन भी आएगा चांटा, मैं तो यहाँ तुम्हारे साथ चिपक कर इसलिए चला आया ताकि जान सकूँ कि जो लोग इन शैतानी टांगों को इतनी आसानी से पकड़ कर ले गए हैं वे कौन है और कहाँ से आए हैं। यहाँ आकर पता लगा कि इन शैतानी टांगों के हाथ और सिर भी तुम्हारे पास पहले से रखे हैं, और अब इसका केवल धड़ बाकी रह गया है। हुआ यूं कि काबू में एक सिर आकर के गिरा, और जम्बू को पता चला कि एक ग्रह के टुकड़े टुकड़े होने के कारण उनके बादशाह का सर काट कर गिरा है। जम्बू को यह भी पता चला कि उसके नाभि चक्र में अमृत है। अभी उसके हाथ पैरों धड़ मिल जाए तो पृथ्वी में कैंसर जैसे भयानक रोग का निदान हो जाएगा। बस जम्बू और चांटा को दूसरों ग्रहों पर भेजा, पहले फिर पहले हाथ मिले अब पैर, अब क्या होता है इस कॉमिक से पढ़ते हैं। बंटी ने जम्बू से संपर्क स्थापित किया। मैं ही नहीं, सारी पृथ्वी उस दिन की प्रतीक्षा करे जब सिरकटा जिंदा होकर के खड़ा होगा और उसकी नाभि का अमृत पृथ्वी पर आएगा। वह दिन भी आएगा बंटी। डॉक्टर हैरान है, वैज्ञानिक परेशान है, सब उस अमृत पर रिसर्च करने के लिए बेताब हो रहे हैं। लेकिन मुझे यही एक चिंता सता रही है। वह क्या बंटी? यही कि जिसके हाथ पैरों और सिर के अलग अलग होकर इतना आतंक मचाया वह समूचा पता नहीं कितना गुल खिलाता है। पृथ्वी के देवी दर्शक उस दिन का बेसाबी से इंतजार कर रहे हैं। यह क्या मुसीबत है? किससे बात कर रहे हो तुम जम्बू देवता? एक ग्रह है पृथ्वी, मैं वहीं से काबू पर आया। बंटी वहाँ पर मेरे कारनामे टीवी पर लोगों को दिखाता है। असल में पृथ्वी पर कैंसर नाम का एक रोग है जिसका कोई इलाज नहीं है। यह सिरकटे, इस सिरकटे की नाभि में अमृत रूपी संजीवनी है, उसी की प्राप्ति के लिए इसके अंग तलाश कर रहे हैं हम। संजीवनी से इस कैंसर का इलाज हो सकता है। इसका कहना है कि जब तक इसका पूरा शरीर जुड़ नहीं जाएगा तब तक नाभि चक्र से अमृत नहीं निकाला जा सकता। हूँ तो अब इसका धड़ बाकी रह गया है। चांटा, इस त्रिभुज के तीन कोणों की बराबर दूरी पर हाथ पैर और धड़ गिरे हैं। अब तुम्हें तीसरी दिशा में पलायन करना है। ये बेमौत मारा जाएगा। जिस कोण की तुम बात करो वहाँ पर प्लाजा ग्रह है, तुम्हें कैसे मारूँ? मैं भी एक वैज्ञानिक हूँ, छलावा मेरा नाम है। प्लाजा ग्रह की सीमा में कोई ठोस वस्तु प्रविष्ट ही नहीं कर सकती, वहाँ सिर्फ मैं जा सकता हूँ क्योंकि मुझमें अदृश्य होने की क्षमता है। अगर तुम अदृश्य हो सकते हो तो तुम हमारे इतिहास घर में अदृश्य होकर दिखाओ। यह बात है तो ये लो, मैं अदृश्य हो गया। नहीं छलावा, हम तुम्हें देख सकते हैं, देख रहे हैं। कहो तो तुम्हें पटकी मार कर दिखाएं, मुझे छूकर दिखाओ। ये लो ठाक, तुम मुझे देख सकते हो। यह हजारों वर्ष पहले बना काबू का इतिहास घर है, इसमें आकर कोई अदृश्य नहीं हो सकता।
तुम जिन किरणों के माध्यम से नेत्रों की ज्योति को प्रभावित करते हो वह कोई बहुत बड़ा करिश्मा नहीं, उसे काटा भी जा सकता है। और रहा इस बात का सवाल कि तुम दूसरे का रूप कैसे धर लेते हो, यह भी बहुत जटिल क्रिया नहीं। वास्तव में होता यह है कि जिसे तुम करिश्मा दिखाते हो वह अपने आप को एक आईने में देखता है और सिर्फ महसूस करता है कि उसके साथ कोई डुप्लीकेट है। हमारी पृथ्वी पर इसे हिप्नोटिज्म कहते हैं। तुम्हारे पास एक दर्पण है जिसे तुम अदृश्य होकर प्रयोग करते हो। ये रहा वह दर्पण जो तुम्हारे हिप्नोटिज्म का माध्यम बनता है। निकाल दी न देवता ने सारी हेकड़ी, तेरी सारी हेकड़ी बना फिरता था छलावा। जम्बू देवता, माना तुम बहुत योग्य हो, परंतु प्लाजा में ऐसा कोई नहीं है। मैं पहले भी वहाँ जा सकता हूँ, जा चुका हूँ। ठीक है, हम तीनों एक ही रॉकेट यान पर कल प्लाजा के लिए कूच करेंगे। हम प्लाजा ग्रह की गुरुत्वाकर्षण सीमा से बाहर रहेंगे और तुम वह धड़ प्लाजा से लेकर के आओगे। और अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो याद रखना मेरा नाम भी जम्बू है। अगले दिन अब हम अंतरिक्ष में हैं और प्लाजा की ओर बढ़ रहे हैं। प्लाजा की वायु सीमा आ गई, बस आगे मत बढ़ना। छलावा, आखिर मैं भी तो यह जानना चाहता हूँ कि उन्होंने कैसी व्यवस्था की हुई है। मैं यान से प्लाजा की सीमा में एक मिसाइल दागता हूँ, देखता हूँ उसका क्या परिणाम होता है। जम्बू ने मिसाइल दाग दी, जूम। देखा, उस मिसाइल का अंजाम प्लाजा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति में आते ही उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। आखिर प्लाजा वालों के यान भी तो इस सीमा से गुजरते होंगे। हाँ, किंतु उन्हें बनाया ही इस विधि से जाता है कि वे इस सीमा में आराम से विचरण कर सकें। अच्छा छलावा, अब हमारा भी कमाल देखो। तुम तो इस सीमा को पार कर जाओगे ना। हाँ, मैं पहले भी जा चुका हूँ, पहले भी प्लाजा जा चुका हूँ। यह यंत्र देखो, इसमें दो बटन है। हरा बटन दबाते ही मैं सीधा तुम्हारे पास पहुँच जाएंगा। किसी भी खतरे की स्थिति में तुम मुझे बुला सकते हो। और लाल बटन इसलिए होता है कि यदि हम कहीं फंस गए तो अपने यान को नष्ट करने के लिए लाल बटन दबा सकते हैं, ताकि हमारा कोई सबूत शेष न रहे। अब तुम जाओ और वह धड़ प्लाजा से लेकर आओ। छलावा रवाना हो गया। अलविदा मित्रों, यह आपने क्या किया? मुझे छलावा पर भरोसा नहीं। अगर उसने लाल बटन दबा दिया तो यह यान, वह लाल बटन ही दबाएगा चांटा। क्या मतलब? यही तो उसकी परीक्षा होगी। वास्तव में दोनों बटनों में एक ही प्रक्रिया होगी। दोनों सूरत में मैं ट्रांसमिट होकर छलावा के पास पहुंच जाऊंगा। छलावा सीधा प्लाजा के धरातल पर उतरा। ऐसी की तैसी तेरी जम्बू और चांटा की। यह धड़ मेरे कब्जे में होगा जिसमें अमृत होगा। मुझे प्लाजा ग्रह से वह धड़ अपने ग्रह पर ले जाना है। लेकिन जब तक जम्बू का यान अंतरिक्ष में है, धड़ लेकर आगे नहीं बढ़ सकते है। पहले मैं धड़ तलाश करता हूँ, फिर इस यंत्र द्वारा जम्बू का यान ख़त्म कर डालूँगा। प्लाजा ग्रह में कोई ठोस वस्तु प्रविष्ट नहीं होती। यदि प्रविष्ट होती है तो विस्फोट होगा। फिर यह धड़ प्लाजा कैसे पहुँचा होगा? इसका पता प्लाजा के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष वेधशाला में लग सकता है, जहाँ एक बार मैं पहले भी घुस चुका हूँ। यह प्लाजा का अंतर्राष्ट्रीय नगर है जहाँ वह वेधशाला है। और यह रही वेधशाला। वेधशाला का गेट खुलने तक मुझे प्रतीक्षा करनी होगी। ओह, यह हवाई कार अवश्य ही अंदर प्रवेश करेगी। कार नीचे उतर गई और छलावा उसकी छत पर बैठ गया। मुझे तो कोई देख ही नहीं सकता। टिप 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 टिप, इसने तीन बार डीपर दिया और दरवाज़ा खुल गया। यह वेधशाला की सेंट्रल लॉबी है जहाँ कार रुकी है। छलावा अंदर पहुँच चुका था। ये चेयरमैन साहब, तो ये है चेयरमैन। अवश्य ही आज यहाँ कोई कार्यक्रम है। वेधशाला के इंचार्ज ने कार का स्वागत किया। मीटिंग हॉल में सभी प्रतिनिधि आ चुके हैं, आपकी प्रतीक्षा है। देखते हैं किसकी मीटिंग है मीटिंग हॉल में।
प्लाजा इंटरनेशनल वेधशाला। यह प्लाजा की इंटरनेशनल वेधशाला का सभागार है जहां सभी देशों के प्रतिनिधि आज उपस्थित हैं। इस मीटिंग का कारण है प्लाजा की सीमा में उतर आया वह धड़ जो विस्फोट के बिना धरातल पर उतरा। इस धड़ को अपनी पकड़ में तो कर लिया, परंतु यह खोज नहीं हो पाई कि वह धड़ किसका है जो हमारी अंतरिक्ष प्रक्रिया भी उसके सामने नकारा है। हमारे वैज्ञानिकों ने उस पर परीक्षण करना चाहा, परंतु सफलता नहीं मिली। इस विषय पर आज प्रकाश डाला जाएगा। सबसे पहले मैं वैज्ञानिक चोवल को बुलाता हूँ जो धड़ पर रिसर्च कर रहे थे। चोवल मंच पर आया। सज्जनों, जिस समय यह धड़ हमारे धरातल पर गिरा तो इसने खासा उत्पात मचाया और हमारी पकड़ में बड़ी मुश्किल से आया। इसके प्राथमिक परीक्षण से लगता है कि यह किसी प्राणी का धड़ है जो जीवित है, परंतु जीवित कैसे है यह समझना मुश्किल है। कारण यह है कि इसकी त्वचा को काटने वाली कोई वस्तु प्लाजा में नहीं है। क्या वह फौलाद या अन्य ठोस धातुओं से भी सख्त है? हमारे यहाँ उपलब्ध धातुओं से हजार गुना क्षमता है उसमें, इसलिए उसका ऑपरेशन कर पाना संभव नहीं। और रहा बाहरी परीक्षण का सवाल, तो उसने हमारी हर वैज्ञानिक प्रक्रिया को नकार दिया। क्या मतलब? हमारे किसी भी प्रयोग का परिणाम शून्य होता है, इसलिए हमारे लिए यह धड़ पहेली बन चुका है। हमने उसे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संग्रहालय में रख दिया है और हमारा कोई वैज्ञानिक समझ ही नहीं पा रहा है। मीटिंग में तरह तरह के प्रस्ताव रखे गए। आश्चर्य है कि प्लाजा के वैज्ञानिक एक धड़ पर हौसला खो चुके हैं। ऐसा नहीं है चेयरमैन साहब, मैं आपको बिना परीक्षण के सब बता सकता हूँ। हैं यह कौन है, कहाँ से है, किस देश का प्रतिनिधि है? मैं प्लाजा किसी देश का प्रतिनिधि नहीं हूँ और नहीं यह बताऊँगा कि किस कुल से आया हूँ, लेकिन मैं प्लाजा को हर सभ्यता और भाषा से परिचित हूँ और मेरा नाम छलावा है। उस धड़ के हाथ पैर सिर कहाँ है मैं जानता हूँ, वो खुद कहाँ का है यह भी मैं जानता हूँ, और इस धड़ की क्या प्रक्रिया है मैं वह भी जानता हूँ। देखो, मुझे पकड़ने की मूर्खता मत करना वरना मैं फिर गायब हो जाऊँगा। इस तरह है, यह तो सचमुच गायब हो गया। कहाँ गया? अभी तो यही था, मैं यही हूँ और प्लाजा से हाथ मिलाना चाहता हूँ। मुझे इस धड़ के पास ले चलो और फिर मैं उसे मजबूर कर दूँगा कि वह आपसे बात करे। मैं यही हूँ और प्लाजा से हाथ मिलाना चाहता हूँ। मुझे उस धड़ के पास ले चलो, फिर मैं उसे मजबूर कर दूँगा कि वह आपसे बात करे। ठीक है, छलावा को अवसर दिया जाए। याद रखना, मैं इंटरनेशनल सिक्योरिटी चीफ हूँ। कौन मेरा नाम है? अगर तुम्हारी बात सच न निकली तो तुम अपने आप को हिरासत में समझो। मेरा नाम छलावा है। हिरासत में मैं तो मुझे जम्मू भी नहीं रख पाया था। तुम क्या चीज़ हो? कौन हो? सब दरवाजे इस तरह बंद हो चुके हैं कि हवा भी नहीं आ जा सकती। वक्त आने पर तुम भी अपनी ड्यूटी निभा लेना। कौन हो रहा ये रहा वह धड़? इसे किस प्रकार के कक्ष में रखा गया? इस कक्ष में कोई भी चीज़ गतिशील नहीं हो सकती। तो फिर यह बोलेगा कैसे? इसे गतिशील तो करना ही होगा। इस स्थान से इसने दो बार भागने की कोशिश की, परंतु यहाँ की व्यवस्था ऐसी है कि कोई भाग ही नहीं सकता। सब कुछ बाहर से कंट्रोल होता है। यहाँ दृष्टि रखी जाती है और पलक झपकते ही पूरी इमारत एयर टाइट हो जाती है। खैर, इसे स्वतंत्र करो। धड़ को स्वतंत्र किया गया। सुनो, मैं अब तुम्हारी ही भाषा में बात कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम बोल सकते हो क्योंकि तुम्हारे हाथ पैर भी बोलते हैं। तुम्हारा सिर, हाथ और पैर हमारे पास है जो अपनी धड़ की बेताबी से प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या तुम उनके पास जाना चाहोगे?
तुम कौन हो? छलावा मेरा नाम है। मैं तुम्हें आज़ाद करके अपने साथ ले जाऊंगा। शर्त यह होगी कि तुम्हें वहाँ मेरा कहाँ मानना होगा। अभी यह लोग हमारी बातचीत का अर्थ नहीं समझ रहे हैं। अब तुम इन लोगों को इनकी भाषा में बात करके समझाओ कि तुम इनके शत्रु नहीं हो और मित्रता चाहते हो। इन्हें यह भी बता देना कि तुम यहाँ कैसे गिरे। अब आप उनसे बात कर लीजिए। हाँ, मैं साम्रा ग्रह का सम्राट हूँ। साम्रा नष्ट हो गया। अब तो आपको यकीन आ गया मुझ पर, मिस्टर छलावा। हम इसकी पुष्टि करेंगे, तब तक आप हमारे राजकीय अतिथि होंगे। सब संग्रहालय से बाहर हो गए। राजकीय अतिथि के रूप में मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ। अगले दिन, आज मैं संग्रहालय के सारे सुरक्षा सिस्टम खराब कर डालूँगा। रात को ठाक ठाक ठड़ाक करड़ करड़ और अब इस इमारत के बाहरी प्रहरी बेहोश पड़े हैं। मैंने तो इसके संपर्क स्रोत भी काट डाले हैं। ठाक भीष्म, तुम्हारे गनों से ही तुम्हारा सफाया। छलावा मेरा नाम। टिर छलावा मुख्य हाल में पहुंचा। चल मेरे प्यारे धड़, अगर बाहर कोई संग्राम हुआ तो तुम्हें संभालना है। क्योंकि मैं खुद को गायब कर सकता हूँ, तुम्हें गायब नहीं कर सकता। मैं तुम्हें अंतरिक्ष तक उड़ा कर ले जाऊँगा। तब तक प्लाजा में हड़कंप मचे, हम दूर चलेंगे। सुबह हो गई। जम्बू, तू भले ही किसी तिकड़म से बच, मगर तेरा विमान ख़त्म और तू हमेशा के लिए अंतरिक्ष में तैरता रहेगा। यह जम्बू कौन है? हमारा सबसे बड़ा शत्रु तो यही है। इस स्विच को दबाते ही हमारा रास्ता साफ होगा। टिंक है जम्बू। ठाक तड़ाक, मारो इस धड़ प्यारे, यही जम्बू है। बड़ाम, अजीब विस्फोटक गैस निकली है इस धड़ से। देख छलावा, अब मैं ऐसा प्रकाश फेंक रहा हूँ जिसमें रहकर तू किसी की दृष्टि से ओझल नहीं हो सकेगा। सर, और तेरी गैस का जवाब है मेरे पास। बड़ाम, अजीब विस्फोटक गैस निकली है इस धड़ से। बड़ाम, सर बड़ाम, मेरे हाथ तेरी तब तक ठुकाई करते रहेंगे जब तक तू प्लाजा में रहेगा। भीष्म भीष्म, सुन सरकटे के धर, इस धोखेबाज के पास ना तो तेरा सिर है और ना हाथ पैर, वह सब मेरे पास है। देखना चाहता है तो चल मेरे साथ। कैसे यकीन करूं कि तुम दोनों में सच्चा कौन है? यह देख चित्र, यही है ना तेरे हाथ पैर और सिर? हाँ हाँ यही है। और मैं इनके साथ हूँ कि नहीं? हाँ यह भी सच है। तो फिर साबित हो गया कि मैं सच्चा और छलावा झूठा। अब इस झूठे को जमकर ठुकाई कर दो। ठक ठक बड़ाम बड़ाम, पटाक खटाक। अब तो प्लाजा वालों को जम्बू से उलझाना होगा। छलावा भाग निकला। प्लाजा कंट्रोल, काबू के देवता जम्बू ने हमला करके उसके धड़ को छुड़ा लिया है और संग्रहालय तोड़ डाला, सबको मार दिया। अब चलो मेरे साथ। मगर कैसे? क्या उड़कर? नहीं, मैं तुम्हें अपने ही यान में ट्रांसमिट करता हूँ, फिर हम काबू की ओर रवाना होंगे। सर, प्लाजा की फोर्स सलावा के बताए स्थान पर पहुँचू। कहाँ है जम्बू और वह धड़? लगता है दोनों विमान में चले गए।
यह झूठा मक्कार है, इसने कुछ गड़बड़ की है, इसे पकड़ लो। ट्र सू 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 गौन मेरा नाम है, तू बचकर जाएगा कहाँ, बचकर घेर लो इसे। छलावा मेरा नाम, अब मैं दम्बू से टक्कर लेने जाता हूँ गायब होकर। अरे वह तू गायब हो गया, छलावा गायब हो गया। उधर जम्बू धड़ के साथ अपने यान में पहुँचा। देखो अब तुम खुद टीवी पर अपने सिर हाथ और टांगों को देखो। अब तुम सब मिलकर देवता की आरती उतारना रोज़, इसकी मेहरबानी से तुम सशरीर जिंदा होने वाले हो। यान सीधा काबू पहुंचा। सुम इतिहास घर में, हमने बहुत बड़ी सफलता पा ली है चाटा, अब मैं इसे जोड़कर जीवित करता हूँ। जब्बू ने सिरकटे के अंगों को जोड़ डाला। अब तुम्हारा शरीर पूरा तुम्हें मिल गया है, खड़े हो जाओ सिरकटे। हा 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 हा। सिरकटा नहीं मूर्ख, सरकंडा का, मेरा नाम है सरकंडा और तूने मेरे सारे अंग जोड़कर भयंकर भूल किए। अब मैं काबू ग्रह को उसी तरह तबाह कर दूंगा जैसे मेरा ग्रह हुआ था। मैं हूँ तबाही के देवता सरकंडा। तुलसी कॉमिक्स के आगामी सेट में पढ़िए जम्बू सीरीज का विध्वंसकारी महाविशेषांक सरकंडा। गाइज आपको स्टोरी कैसी लगी है? और जम्बू सीरीज इस समय काफ़ी पॉपुलर है, इसलिए मैं इनकी वीडियो सीरीज ज़्यादा डाल रहा हूँ। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो काफ़ी आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करके बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ से। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।